Hi everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to be showing you how you can create this easy, affordable bridal makeup look. It's very easy to achieve and let's start the video. सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज बना रही हूँ यूजिंग मिलियन पोलाइन आईब्रो पोमेड। जो ब्रश है ये न्यू ब्रश था, इस वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए आईब्रोज़ को बनाना। उसके बाद स्पूली की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज़ पे जो भी मैंने प्रोडक्ट अप्लाई किया है उसको ब्लेंड करूँगी। सो द फर्स्ट शेड आई विल बी टेकिंग इज़ फ्रॉम ग्लैमरस मखमली पैलेट और इसमें से मैं ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ अपने क्रीज पे विद द क्रीज ब्रश और इसको मैं लाइटली बिल्डअप करूँगी। एक बार जब मैं आई शेडो को अपने क्रीज़ पे अप्लाई कर लूँगी उसके बाद मैं ब्लेंड करना शुरू करूँगी ताकि कहीं से भी कोई हार्श लाइन ना रह जाए। सो क्रीज़ पे आई शेडो अप्लाई करने के बाद अब मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो को। उसी तरह सबसे पहले मैं इसको अप्लाई करूँगी दोनों आँखों पे और उसके बाद मैं ब्लेंड करूँगी।
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो शेड मैंने क्रीज में अप्लाई किया है उसके साथ ब्लैक शेड अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए और कहीं से भी कोई हार्श लाइन ना रहे। सो, अब मैं करूँगी अपने क्रीज को कट। इसके लिए मैं मिस्ट्रोज़ का कंसीलर अप्लाई करूँगी और अपने लिड को हाफ़ कट करूँगी। सो, मैं अपनी क्रीज़ को कट कर चुकी हूँ। अब फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई करने लगी हूँ ग्लैमरस फेस का वेट मखमली आई शेडो पैलेट में से गोल्ड आई शेडो। ये जो आई शेडोज हैं ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और पिगमेंटेड हैं। इनको हल्का सा वेट करना होता है एंड दे आर वेरी वेरी पिगमेंटेड। तो मैं इसको अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज़ पर। आई शेडो अप्लाई करने के बाद अब मैं अपने आउटर कॉर्नर्स को दोबारा से डार्कन अप करूँगी। अब मैं लास्ट टाइम के लिए अच्छे तरीके से दोबारा से ब्लेंड कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो को और जो क्रीज में अप्लाई किया है वो वाला आई शेडो, ताकि अच्छे से सारे कलर्स ब्लेंड हो जाएं। जो क्रीज़ में मैंने ब्राउन कलर अप्लाई किया है उसको थोड़ा सा और डिफ़ाइन करूँगी यूजिंग अ वेरी वेरी स्मॉल ब्रश। इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे जो क्रीज़ का कलर है वो डिफ़ाइन हो रहा है इस तरीके से। सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई आई लाइनर और मैं एक थिक विंग बना रही हूँ।
अब मैं मिस रोज़ के ग्लिटर आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ यूजिंग द सेम फ्लैट ब्रश। So now I'm using the same brown shade on my lower lash line. अच्छे तरीके से small brush की help से मैं apply कर रही हूँ very close to my lash line. So अपने waterline पे मैं apply कर रही हूँ makeup forever का whatever black travel artist color pencil and this is very very good pencil. अब मैं ले रही हूँ एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लैक आई शेडो और मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ वेरी क्लोज टू माय लैश लाइन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सो नाउ आई एम टेकिंग अ सिल्वर शेड और इसको मैं अपने ब्राउ बोन को और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। I applied false lashes off camera and this is my final look. I hope you like it. If you did, don't forget to like, subscribe and share. I'll see you next time. Till then, take care and love.